नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्गुरु चैनल पे। अभी तक हमने लेटेस्ट सी में दो पार्ट कर लिए हैं, दोनों पार्ट बेसिक हैं। ये तीसरा पार्ट भी बेसिक है, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर आगे कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने कंपाइलर में पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमें सीखने को मिलेगा प्रिंटएफ और स्कैनएफ का यूज़। देखिए यहाँ प्रिंटएफ क्या होता है, किसी भी वैल्यू को जो भी इसके अंदर यहाँ लिखा होगा उसको केवल प्रिंट करने के लिए होता है, साथ में किसी वैल्यू को मॉनिटर पर लाने के लिए यूज़ होता है। देखिए दो तरीके से प्रिंटएफ यूज़ हो रहा है यहाँ पर। दूसरा जो स्कैनएफ होता है वो क्या होता है, इनपुट लेने के लिए होता है, स्कैन फॉर इनपुट, जैसे किसी चीज़ को हम स्कैन कर रहे हो, प्रिंट फॉर आउटपुट, जैसे किसी चीज़ को हम लोग प्रिंट कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ देखिए स्कैन एफ में आपको ये मॉडुलस डी लिखना पड़ेगा अगर आप इंटीजर वैल्यू लिखें। इंटीजर क्या है, यहाँ ये भी वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप है। अगर ये फ्लोट होता तो मॉडुलस एफ लिखते, अगर ये करेक्टर होता तो मॉडुलस सी लिखते। अब यहाँ देख लीजिए इंटर द वैल्यूज ऑफ एन बी इक्वल, ऐसे नॉर्मली लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ इसके लिए ये काम करेगा, यहाँ हमें एम्परसेंड लगाना कंपलसरी होता है। फिर देखिए एम्परसेंड मॉडुलस डी इसके लिए है, तो यहाँ ए बी की वैल्यू पूछेगा। ठीक, और फिर उसी तरीके से ए और बी के वैल्यू क्रॉसपॉन्डिंग प्लेस पर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं, रन करते हैं। और मैंने ये 12 लिखा, इंटर किया, 13 लिखा, इंटर किया, लेकिन अभी वैल्यू नहीं आई है सामने प्रिंट होके, यानी कि कुछ और बात है इसमें। फिर मैं यहाँ पर कोई भी एक गार्बेज वैल्यू लिख रहा हूँ और इंटर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होके आ गई ए बी। ये गार्बेज वैल्यू क्यों लिखना पड़ा, यही इसका मेन, इस क्वेश्चन का मेन जेस्ट था। ये देखिए इस एम्परसेंड डी के बाद अगर यहाँ आपने स्पेस दिया तो आपको एक बार ये जरूर कोई ना कोई वैल्यू इंटर जरूर कराएगा। इस स्पेस को यहाँ से हटा के रखना है आपको और फिर इसको रन पे डालना है। आप यहाँ पर 12 दीजिए, इंटर करिए, 13 दीजिए, इंटर करिए, देखिए तुरंत ही वैल्यू सामने आ जाएगी 12 और 13। अच्छा, यहाँ पर इस पर स्पेस से कोई मतलब नहीं होता, ये स्पेस अगर मैं हटा दूं तो भी ये काम करेगा, बस लास्ट का स्पेस नहीं होना चाहिए, वो होगा तो एक बार ये वैल्यू जरूर लेगा। फिर से यहाँ स्पेस देकर दिखाते हैं आपको, ये देखिए 2 3 4 5 स्पेस दिए हैं। फिर इंटर मैंने ये किया, इंटर भी किया, फिर ये होल्ड हो गया। मैं यहाँ पर 44 इंटर कर रहा हूँ और ये आंसर आ गया। मतलब यहाँ ये नहीं है कि 5 स्पेस दिए तो 5 बार हमें इनपुट देना पड़ेगा, बस इस पूरे का काउंट एक रहता है अगर एम्परसेंड डी के बाद हमने कोई भी एक स्पेस दे दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी बातें और ऐसे क्वेश्चन में आते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, कैसे आएगा, कैसे इनपुट करना होगा, प्रोसीजर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक वही क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, इंटीजर पी क्यू कर दिया ए बी की जगह पर, और यहाँ पर भी मॉडुलस डी लिया है और पी क्यू की वैल्यू के आगे एम्परसेंड नहीं लगाया, तो देखिए क्या होता है। पेस्ट करते हैं यहाँ पर, मैं इस स्पेस को यहाँ से हटा देता हूँ जिससे मुझे बार बार इंटर न करना रहे वैल्यू, और एक रफ वैल्यू न डालनी रहे गार्बेज वैल्यू। अब इंटर पी करता हूँ मैं 12, क्यू करता हूँ, देखिए जैसे मैंने पी किया तुरंत ही यहाँ पर क्या आ गया, सिगमेंटेशन फॉल्ट, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर एम्परसेंड नहीं है। यहाँ देखिए जब मैं अपने डॉस पे यानी कि ओरिजिनल कंपाइलर पर मैं इसको काम कर रहा हूँ और मैं इसे कंपाइल करता हूँ कंट्रोल F9 से, फिर ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू मैंने 12 दी, बी की वैल्यू मैंने 13 दी, और Alt F5 करके जो है इसका रिजल्ट देखा तो यहाँ देखिए गार्बेज वैल्यू कुछ प्लेस कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिक अप द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस सारे के जो चार में से एक बेस्ट ऑप्शन वो हमें चुनना है। ए दिया हुआ है सी लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय, ये एकदम पता होना चाहिए, डेनिस रिची ने जो है इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी कैन बी यूज इन MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली ऑन लिनक्स, ओनली ऑन विंडोज, तो ये सब पर यूज हो सकता है। अभी मैं जो चलाया था वो विंडोज पर था, ऐसे MS-DOS पर और लिनक्स ऑपरेटिंग दोनों पर चल सकता है। फिर देखते हैं सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। सी प्रोग्राम जो होता है
वो अपने इस एल्गोरिदम को जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं, प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, वो कंपाइलर के जरिए उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. द रियल कॉन्स्टेंट इन सी कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. तो ए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंशियल आस्की ओनली, बोथ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंशियल. हम रियल कॉन्स्टेंट फॉर्म को जो कि फ्लोट टाइप जैसा ही होता है, उसे फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंशियल दोनों में लिख सकते हैं. अ करेक्टर वेरिएबल कैन स्टोर कैन एट अ टाइम स्टोर. करेक्टर वेरिएबल में कितना स्टोर हो सकता है? केवल एक करेक्टर करेक्टर वेरिएबल में स्टोर हो सकता है. द स्टेटमेंट सी एच इज इक्वल टू जेड वुड स्टोर इन सी एच द करेक्टर द आस्की वैल्यू द जेड विद द सिंगल इन्वर्टेड कामाज और बोथ ए एंड बी. अगर ये देखा जाए तो ये उसकी आस्की वैल्यू को स्टोर करता है. इसको चला के हम लोग देख लेते हैं, एक बार कंपाइलर पर समझते हैं. देखिए लिखा है करेक्टर सी एच इज इक्वल टू जेड माना था, एक करेक्टर आई इज इक्वल टू 122 माना है मैंने, ठीक है. और फिर हम इस करेक्टर को यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश करें जो सी एच के करेक्टर की तरह, और सी एच को इंटीजर की तरह प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक. फिर उसके बाद आई जो कि 122 है उसे हम करेक्टर की तरह प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं और फिर उसे इंटीजर की तरह प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा. देखिए दोनों में आउटपुट सेम आ रहे हैं, जेड 122 जेड 122. देखते हैं कैसे. देखिए जब करेक्टर प्रिंट कराया जो कि सी एच था, और यहाँ पर सी एच को हमने क्या डिफाइन कर रखा था, करेक्टर डिफाइन कर रहा था, तो वही करेक्टर हमारे सामने दिखाई दिया अगर यहाँ सी चलाए. लेकिन अगर उसे इंटीजर में देखते हैं कि इसके अंदर कितनी इंटीजर वैल्यू स्टोर हुई, जबकि सी एच क्या करेक्टर टाइप है और उसकी इंटीजर वैल्यू अगर हम देखेंगे तो सी एच में 122 जो कि उसकी आस्की वैल्यू स्टोर होकर सामने आई है. ठीक उसी तरीके से इसको चेक करें और इसको करेक्टर की तरह प्रिंट कराएं तो यहाँ 122 एज अ करेक्टर नहीं है, 122 एज अ इंटीजर है और ये इसकी आस्की वैल्यू इसमें स्टोर हुई है. और इसकी आस्की वैल्यू सीधे कितनी स्टोर हुई है, हमने आस्की वैल्यू यहाँ दे दी है 122. और 122 को जब हम करेक्टर देखना चाहते हैं तो सीधे कितना आता है, जेड आता है. और जब हम इसे इंटीजर के फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो जो इंटीजर यहाँ पर था 122 वो 120 सामने आ जा रहा है. यानी कि ये दोनों वैल्यू इस तरीके से स्टोर करके सामने रख रहा है. डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए. अगर करेक्टर को करेक्टर वेरिएबल पर ही देखेंगे तो हमें करेक्टर मिलेगा, लेकिन करेक्टर को अगर इंटीजर वेरिएबल में देखेंगे तो हमें उसका आस्की वैल्यू मिलेगी. द स्टेटमेंट करेक्टर सी जेड वुड स्टोर इन सी एच आस्की वैल्यू ऑफ जेड, ये याद रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर कॉन्स्टेंट. तो इसमें में से कोई भी करेक्टर कॉन्स्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप करेक्टर कॉन्स्टेंट की तरह बनाएंगे तो करेक्टर कॉन्स्टेंट हमेशा एक सिंगल ही करेक्टर को लेता है. यहाँ डी टी आ जाएगा, यहाँ ई आ जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा, ठीक. सिंगल करेक्टर कॉन्स्टेंट को ही ये लेता है, तो इसलिए कोई भी ये करेक्टर कॉन्स्टेंट इसमें से नहीं है. द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कॉन्स्टेंट कैन हैव. मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर कॉन्स्टेंट कितना रख सकता है, 3, 2, 6, 7, ये इतना मैक्सिमम रख सकता है. ये इसकी ये रेंज होती है, -3, 2, 6, 7, 6, 8 से 3, 2, 7, 6, 7 तक. इसको एकदम याद कर लीजिए कि यही रेंज होता है. अगर यहाँ मैक्सिमम लिखा है तो ये आएगा, मिनिमम लिखा होता तो यहाँ 68 कर दीजिए, मिनिमम आ जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. आ सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ सी वेरिएबल. तो सी वेरिएबल पर तो अच्छी खासी बात की है कि अल्फाबेट अगर हो तो वो तो स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. नंबर अगर पहला हो, अगर पहला स्टार्टिंग में नंबर हो तो वो उससे स्टार्ट नहीं हो सकता. और स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को छोड़ के अगर कोई भी स्पेशल सिंबल है तो भी स्टार्ट नहीं हो सकता. यानी कि ये दोनों 2 और 3 दोनों ही दोनों तरीके से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इसमें कहा कि हमने मेस करके इसमें एक डेसिमल वैल्यू दी, अगर ये फ्लोट टाइप है तो ये सही होगा. कॉन इज इक्वल टू इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक. और दिस इज इक्वल टू इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने ऊपर देख लिया कि ये करेक्टर वेरिएबल अगर है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन होकर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलेगा. प्लस अब ये देखिए 3 + a = b, तो मैंने बताया था कि इक्वल टू किस तरफ आप कॉन्स्टेंट को नहीं लिखेंगे. आप दोनों तरफ LHS RHS पर वेरिएबल लिख सकते हैं,
देखिए वेरिएबल यहाँ लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कांस्टेंट अगर इधर होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्ट हो गया, क्योंकि इधर क्या है, कांस्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी। तो मैंने ये बोडोमॉस याद रखिए, BODMAS, और एग्जैक्ट रूल तो नहीं फॉलो होता लेकिन बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न होता है कि ब्रैकेट ऑफ देन डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से रूल इसमें फॉलो होता है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंस चलता है, हर एक का अपना प्रेसिडेंस होता है। तो यहाँ पर आप देखिए डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये डिपेंड करता है कंपाइलर क्या करना चाह रहा है, तो हर कंपाइलर पर अपना अपना डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो प्रोसेस बताया सॉल्व करने का, अगर क्वेश्चन में आता है तो आप पहले डिवीजन करिएगा फिर मल्टीप्लीकेशन करिएगा। इन बी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है इनटू एन, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। तो अगर मुझे कहना होता तो मैं कहता कि ये ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा, ठीक है, क्योंकि मैं कहता कि डिवीजन पहले करिएगा और मल्टीप्लीकेशन बाद में करिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह ऑप्शन दिया डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर, एक ये ऑप्शन दिया, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि वो पहले डिवीजन करेगा कि मल्टीप्लीकेशन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड इन सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो सी अर्थ मतलब सी में जब अर्थमेटिक हमें लिखना होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखना होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इस ब्रैकेट का यूज़ करना होता है जो कि स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है, बाकी ये ब्रैकेट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे एरे बनता है और इससे किसी फंक्शन को हम लोग चालू और क्लोज करते हैं, ये क्लास को या स्ट्रक्चर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। ईच न्यू सी इंस्ट्रक्शन हैज टू बी रिटन इन सेपरेट लाइन, ऐसा नहीं होता। कोई भी आप जैसे कि यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो आपने सेपरेट लाइन पर तो लिखा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे उठा के यहां भी कर दीजिए, एक ही लाइन में लिख दीजिए और इसे कंपाइल करेंगे तो भी ये कंपाइलर रन करेगा, यहां पर कोई एरर सामने नहीं आएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इस तरीके से फॉल्स हो गया। अगला देखते हैं, इफ ए इज एन इंटीजर वेरिएबल और ए डिवाइड बाय टू विल रिटर्न। तो मैंने क्या बताया था कि ये दोनों इंटीजर की तरह काम करते हैं और 5/2 इज 2.5, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इसका अगर ये इंटीजर वेरिएबल है तो केवल इंटीजर लेगा, बाकी वैल्यू नहीं लेगा। फिर द एक्सप्रेशन इतना इवेल्युएट्स टू, अब ये देख लेते हैं, इसको चला के एक बार देख लीजिए। यहाँ देखिए इसका जो आंसर आया है ये 32768 आया है, 32768 इसलिए आया है क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज होती है वो मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको कि इंटीजर की मैक्सिमम रेंज यहाँ तक चलती है 3267। इससे जैसे एक ज़्यादा होगा या इससे ज़्यादा वैल्यू बनेगी, ये हमेशा इसी वैल्यू पर क्या करता रहेगा, होल्ड रहेगा, इसी वैल्यू पर हमेशा होल्ड रहेगा। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन हुआ था ये बहुत बड़ा हुआ था, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग इंटीजर या डबल लॉन्ग इंटीजर का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके इसका वेरिएबल टाइप सही होगा, नहीं तो ये मैक्सिमम वैल्यू इतनी जाकर रुक जाएगी। द एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन इवेल्यूएट्स टू, अब इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट कर लेते हैं हम लोग, यहीं पर एक ही जगह पर मैं डाल दे रहा हूँ और इसे रन करता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू आई +6, ऑप्शन में रहा होगा +6, ये देखिए ऑप्शन में +6 था। अब इसको समझा देता हूँ ये कैसे +6 आया है, ये पहले मॉडुलस ऑपरेटर इसके साथ इस्तेमाल होगा। अब पहले इसका मॉडुलस ऑपरेटर यानी कि ये रिमाइंडर निकालेगा, इसका रिमाइंडर देख लीजिए कितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर 2 आ रहा है कि अब आप इसको दोनों को डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर देखिए पॉजिटिव का 2 आ रहा है, लेकिन जैसे इस माइनस को उठा के हम यहाँ कर देते हैं और फिर इसको रन करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो है ये -2 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आगे जिसको डिवाइड करना है उसके आगे निगेटिव है तो आंसर निगेटिव में आएगा, और जिससे डिवाइड करना है अगर उसके आगे निगेटिव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव, मैं इसको फिर से जो है जैसे था वैसे कर देता हूँ, हाँ तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, पॉजिटिव की 2 आई थी और इसकी वैल्यू कितनी आई, 4, और 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसलिए हमारी वैल्यू कितनी बनी, 6 बनी। अगर इसी को मैं -8 यहाँ ना करके और यहाँ पर -2 करता
और फिर इसको परफॉर्म करता है इस तरीके से, इन दोनों को परफॉर्म करता, तो ये कितनी वैल्यू बनती, ये माइनस टू बनती और ये प्लस फोर होके कितना बन जाता, टू बन जाता। देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए टू वैल्यू आ गई। तो दोनों तरीके से मैंने इसको समझा दिया कि कैसे ये काम कर रहा है। हायरार्की डिसाइड्स विच ऑपरेटर, तो हायरार्की जो डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होना है, ये डिसाइड करता है। जैसे मैं यहाँ हायरार्की समझ गया कि मैं पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करूँगा, मैं पहले इसका मॉडुलस निकालूंगा यानी कि रिमाइंडर निकालूंगा, यानी कि प्रेसिडेंस जो डिसाइड करता है कि क्या पहले यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इंटीजर कॉन्स्टेंट इन सी मस्ट हैव, तो कम से कम इसमें एटलीस्ट एक डिजिट तो होना ही चाहिए, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस सब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल कैन नेवर स्टोर मोर देन वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर से ज्यादा कभी स्टोर नहीं कर सकता। इन सी अ वेरिएबल कैन नॉट कंटेन ब्लैंक स्पेस, बिल्कुल सही, हाइफन बिल्कुल सही, डेसिमल पॉइंट बिल्कुल सही, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, कोई भी वेरिएबल नेम इन चारों चीजों को जो है कंटेन नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, तो सबसे पहले मैंने फ्लोट का एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लोट अगर स्मॉल में लिखा है तो उसे वेरिएबल नेम की तरह हम लोग नहीं ले सकते, तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इन सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कैन नॉट कंटेन वेरिएबल कॉन्स्टेंट वेरिएबल नेम ऑन द राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने बताया कई बार कि कॉन्स्टेंट आप लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल टू के नहीं रख सकते हैं, यही जो है क्या है, ये क्या है, कैन नॉट कंटेन, मतलब यही क्या है, ये ऑप्शन ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ द अरिथमेटिक, तो हायरार्की वही बतानी है आपको, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस माइनस ये मिल जाए या डिवीजन मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसी को आप ट्रू करिएगा। वट विल बी द वैल्यू ऑफ डी इफ डी इज अ फ्लोट आफ्टर द ऑपरेशन, अगर डी फ्लोट है तो वैल्यू कितनी आएगी, 2/7 कर लीजिए और जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी। एक लास्ट में चलते चलते एक और दिखा देते हैं आपको, क्योंकि फ्लोट पे मैंने काफ़ी बात की थी तो कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं इस कोडिंग को भी करके दिखा रहा हूँ। दिखा है फ्लोट ए बी सी और हम लोग यहाँ दो फ्लोट की वैल्यू भी ले रहे हैं स्कैन से, और फिर यहाँ सी का कैलकुलेशन कर रहे हैं a/b और फिर हम सी को क्या कर रहे हैं, फ्लोट की तरह प्रिंट कर रहे हैं। ये सारी वैल्यू फ्लोट में है। अब मैं इसे रन करता हूं, मैंने 5 और 2 का एग्जाम्पल लिया था तो मैं 5/2 करता हूं, अब आंसर क्या आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। 5/2, यहां 5 मैंने ए में इंटर किया और बी में 2 इंटर किया, फिर मैंने कहा 5/2 = 2.5 और मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये एक इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर था 5/2, तो ये 2 वैल्यू आनी चाहिए थी और इसका रिजल्ट जब हम सी में प्रिंट कर रहे थे तो 2.000000 आना था, लेकिन आंसर क्या रहा, 2.500000, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ये रूल क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर ए पर इंटर कराया और इसे क्या डिफाइन कर दिया, फ्लोट डिफाइन कर दिया, तो जब ए पर फ्लोट डिफाइन हुआ तो ये 5 जब हम इंटर मारते हैं तो इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, और हम B को जब फ्लोट में इंटर मारते हैं तो भी इसे क्या कर देता है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 5/2 ना होके ये फ्लोट में 5.00/2.00 हो जाता है, इस वजह से ये फ्लोट वैल्यू इसमें पूरी पूरी आ जाती है और ये फ्लोट में ये रिजल्ट ना आके ये रिजल्ट प्रिंट होता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो मैंने बात कही वो कितनी तरीके सही है, तो अगर मैं यहां पर ए को प्रिंट कराऊं तो देखिए प्रिंट क्या आता है, मैंने यहां पर 5 दिया ए को और बी को 2 दिया, देखिए जो ए की वैल्यू आई, देखिए 5.000 आई, देखिए ऑटोमेटिक फ्लोट में कन्वर्ट हो गई, इसलिए इसका जो डिवीजन होता है वो फ्लोट में यहां पर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट लिख के कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होता, वो इंटीजर वैल्यू रहती है। आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें अविल गुरु चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।